प्रकृति में जीवों ने सूखे से बचने के लिए पानी के अनेक भंडार बनाए हैं, उन्हीं में से एक बाओबाब का वृक्ष है। यह एक प्राकृतिक पानी भंडारण टैंक है। इसने सूखे से बचने के लिए जड़ों से कई हजार लीटर पानी सींच कर अपनी ट्रंक में स्टोर करके रखा है। यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक रहने वाले और सबसे बड़े पेड़ों में से एक है और कई हजार लीटर पानी स्टोर करके रखता है। कई बार इस पेड़ के तने पर बहुत लंबे लंबे निशान मिलते हैं। वे निशान हाथियों द्वारा बना दिए जाते हैं। हाथियों का झुंड पानी की तलाश में पेड़ को अपनी सूंड से खुरच देता है। पार्क में सभी बाओबाब के ट्रंक पर एक ही निशान है। ये निशान हाथियों द्वारा बना दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाओबाब पानी का स्रोत है और कई बार गहरा खोदने पर हाथियों को पानी मिल जाता है। मूल रूप से यह साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। 9 प्रजातियों में से 6 देशी मेडागास्कर की है। 2 मुख्य भूमि अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं और एक देशी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत में दुर्लभता से पाया जाने वाला यह वृक्ष प्राचीन समय में दक्षिण एशिया में और औपनिवेशिक युग के दौरान कैरेबियन के लिए पेश किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम एडानसनिया डिजिटाटा है। सामान्य नाम से इसे बाओबाब, बोतल के पेड़, बंदर रोटी के पेड़, ऊपर की ओर पेड़। भारतीय नाम कल्पतरु, कमलपति वृक्ष, रुखाटो, गेलो, विलायती इमली, हिंदी पुनपुली, तमिल अनेपलियाराम, तमिल। इसका ऐतिहासिक प्रमाण वेदों और महाभारत में मिलता है। 1750 में एडानसनिया नाम माइकल एडानसन प्रकृतिवादी के सम्मान में रखा गया है। इसके ट्रंक का आकार भिन्न हो सकता है इस आधार पर कि इस मौसम में कितने पानी की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े बॉबस की 46.8 मीटर 152 फीट की परिधि है और अपने ट्रंक में 120,000 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। इसकी छाल ग्रे या चांदी, बैंगनी, टिंगट और डिप्लेट है। पानी स्टोर होने के कारण जब इसकी छाल को खुरचा जाता है तो वह नीचे से हरी निकलती है। छाल अग्नि प्रतिरोधी है। इसकी छाल से प्राप्त फाइबर का उपयोग रस्सी, कपड़ा, मैट, बास्केट और पेपर के लिए किया जाता है। पत्तियों में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है और इन्हें सूजन से लड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी सूखे पत्ती पाउडर एनीमिया, अस्थमा, रचीलाइटिस, पेचिश और गठिया से लड़ती है। परागण फूल चमगादड़ द्वारा होता है। इसके पराग से एक प्रकार की गोंद प्राप्त की जाती है। फल एक बड़ा अंडा के आकार का कैप्सूल होता है जिसमें पीले ब्राउन बाल होते हैं। इसमें टार्टरिक एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं। फल को चूसा एवं रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके फल का गुद्दा पेचिश, स्मॉल पॉक्स और खसरा से लड़ता है। इसका बीज वनस्पति तेल से भरा हुआ है और भुना और खाया जा सकता है। बाबास भारत में बहुत कम और मुश्किल से पाए जाते हैं। भारत में विशालकाय बाबास विंध्य पहाड़ियों और मध्य प्रदेश के पठार डॉट में पाए जाते हैं। यह भारत में लैंडहोप राजपलायम पर चिन्मय विद्यालय परिसर के केंद्र में स्थित है। गुजरात में करीब 100 पेड़ दर्ज किए गए हैं। हमारे भारत में बाबाब, एडानसनिया डिजिटेटा, विशाल का यह आकार के चिन्मयान परिवार के वरिष्ठ सदस्य है। अपने क्षेत्र का यह सबसे पुराना जीवन रूप अपने अविश्वसनीय आकार के साथ है। चिन्मयान प्रकृति क्लब का सबसे सम्मानित सदस्य है। इसकी ऊंचाई 23.80 मीटर 78.08 फीट, व्यास 4.534 मीटर 13.25 फुट, चंद्वा व्यास 12.56 मीटर 41.2 फुट, आयु 700 वर्ष लगभग। कोई भी बिल्कुल नहीं जानता कि अफ्रीकी बाओबाब को भारत में कैसे पेश किया गया था। यात्रा के दौरान आपातकालीन राशन के रूप में बीज ले जाने की एक अफ्रीकी प्रथा थी। बाओबाब बीजों पिस्टान चिनट और इमली बीजों की तरह एक विशेष खजाना था। माना जाता है कि उपसहारा अफ्रीका से हजारों साल पहले अरब व्यापारियों द्वारा भारत के पश्चिमी तट में बाओबाब को लाया गया था। बाओबाब की सराहनीयता के निशान के रूप में इसे परिसर की महान दादी कहते हैं। एक बाओबाब वास्तव में हमारे जीवन काल से परे जीवन का रास्ता बना सकता है। इसे विरासत के रूप में घोषित करने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस अद्भुत विश्व खजाने की पवित्रता को परिसर के पारिस्थितिकी तंत्र में रक्षा की जाए। एडानसनिया की तरह पानी का भंडारण करने वाला एक और पेड़ भारत में पाया जाता है। इसका नाम टर्मिनल या एलिप्टिका है। यह मूल रूप से दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के इलाकों में मिलता है। यह दक्षिणी भारत में 1000 मीटर तक शुष्क और नम दोनों तरह के पेड़दार वनों का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका सामान्य नाम आसना, सज या साज, इंडियन लॉरेल, कन्नड़ में मैटी, बर्मा में ताकन, भारत में सदर मैटी या मर्डा, श्री लंका में आसाना और मगरमच्छ छाल कहा जाता है। विशेष
विशेषता छाल पैटर्न के कारण। यह एक वृक्ष है जो ट्रंक के साथ 30 मीटर लंबा होता है। इसकी छाल अग्निरोधी है। एक सर्वेक्षण में आयोजित भारत के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने दिखाया कि पेड़ों का एक हिस्सा पानी की दुकान है और ट्रंक की मोटाई पानी की मात्रा में वृद्धि पर और जल संग्रहण की मात्रा पर निर्भर होती है। इस जल भंडारण के तंत्र और इकोफिजियोलॉजिकल महत्व के बारे में पता नहीं है। ट्रंक में जमा हुआ पानी अक्सर गर्मियों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में जंगल लोग द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह पेट दर्द के लिए भी उपचारात्मक मूल्य माना जाता है। थेरवाडा बौद्ध धर्म में इस वृक्ष को ज्ञान प्राप्त करने और बोधि की प्रबुद्धता के लिए 20वीं भगवान बुद्ध द्वारा उपयोग किया गया था। पानी भंडारण के साथ साथ पौधे औषधि का भंडार होते हैं। हमने रामायण में संजीवनी बूटी का नाम सुना है। ऐसी ही एक बूटी एग्रोप्याचा नाम से भारत में पाई जाती है, जिसमें कायाकल्प और उम्र घटाने की क्षमता है। एग्रोप्याचा एक आयुर्वेदिक पौधा है। इसे मलयालम में हेल्दी ग्रीन कहा जाता है, जिसका मतलब शक्ति वर्धक होता है। इसका साइंटिफिक नाम है ट्रिचोप्यूस ज़ेलेनिक्यूस। इसे मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड एंड द साउथ वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडिया के हिली एरियाज में उगाया जाता है। यह पहले पश्चिम घाटियों के दक्षिणी हिस्सों में वैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया था। इसका उपयोग एंशजिंग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों की खोज करने से पहले ही केरला के आदिवासी लोग पहले से इसका उपयोग शिकार करते समय थकान को कम करने के लिए किया करते थे। वे इस बात का दावा करते हैं इसके सहारे वो बिना खाए कई दिन रह सकते हैं। थ्रिचोपस ज़ेलेनिकस को दिसंबर 1987 को पश्चिमी घाट के अगस्थिया पहाड़ियों पर एक वैज्ञानिक अभियान पर आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। उन्होंने देखा कि कानी जनजाति से संबंधित उनके मार्गदर्शक स्वयं के विपरीत में बहुत ऊर्जावान थे। वे वैज्ञानिकों के साथ कई घंटों के लिए चले गए थे, लेकिन अंतर यह था कि वे एक जंगली पौधे थ्रिचोपस ज़ेलेनिकस के फल खाते जा रहे थे। यह कानी पुरुषों से पाया गया कि यह वास्तव में फल थे जो वे खा रहे थे, जो उन्हें ऊर्जावान बनाते थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पौधे में फिर से जीवन प्रदान करने की आयुर्वेदिक गुण है। 8 साल बाद वैज्ञानिकों ने इस पौधे से जीवनी नामक औषधि बनाई और इसे पेटेंट करवाया। साथ ही इससे हुए लाभ को आदिवासी लोगों के साथ बांटा गया। माना जाता है कि इसके औषधि गुणों में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल स्कैवेंजर यानी मुक्तकण पाए जाते हैं। मुक्तकण अस्थिर अणु होते हैं जो स्वाभाविक रूप से पाचन के दौरान बन जाते हैं। अधिक बार मीडिया और स्वास्थ्य ब्लॉग पर्यावरणीय कारकों से निर्मित मुक्तकणों के बारे में बात करते हैं। धुआं, प्रदूषण, सूर्य के प्रकाश आदि मुक्तकणों में हमारे शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। वे इस नुकसान को एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक परमाणु का घटक है चोरी करके करते हैं और कोशिका को असंतुलित छोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को चुराने में एक नया मुक्त कट्टरपंथ यानी न्यू अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। यह नया अनस्टेबल मॉलिक्यूल एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है और फिर से एक नया अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है, जिससे एक चेन रिएक्शन होता है। यानी प्रत्येक परमाणु अब एक छोटा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से चुरा लेता है। माना जाता है कि सेलुलर क्षति कुछ पुरानी बीमारियों को जन्म देती है, हालांकि प्रयोगशाला परीक्षणों में एक मजबूत निष्कर्ष नहीं होता है। हम मुक्त कट्टरपंथी क्षति के प्रभाव को देख सकते हैं, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, जो कि हमारे चारों ओर है। मुक्त कणों के कारण से भूरी और लौह जंग जैसा हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एक इलेक्ट्रॉन को दान करके मुक्त कट्टरपंथी क्षति को रोकने और लड़ाई में मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करने की इस रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के कोशिकाओं के एक आवश्यक हिस्से की चोरी को रोकते हैं। इस प्रकार यह